जय भोले के उद्घोष के साथ बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद, मंगल गीतों के साथ डोली हुई रवाना। रुद्रप्रयाग पंच केदारों में तृतीय केदार व चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शनिवार दोपहर बाद लग्नानुसार शीतकाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के पावन अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर कपाट बंद होने के साक्षी बने और जय भोले के उद्घोषों के साथ चोपता तक भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। रुद्रप्रयाग में 22 नवंबर को बंद होंगे द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट। विजयदशमी के पावन पर्व पर उखीमठ के पंच गद्दी स्थल ओमकारेश्वर व ब्रह्म मुहूर्त द्वितीय केदार की कपाट बंद होने की तिथि पूजा पंचांग देखकर निर्धारित की गई। परंपराओं के अनुसार द्वितीय केदार के कपाट बंद होने की तिथि निश्चित की जाती है। रामलीला में सीता हरण कर भाग रहा था रावण, बैलेंस बिगड़ते ही मंच से गिरे धड़ाम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रामलीला में रावण और सीता का किरदार निभा रहे कलाकार सीता हरण का मंच करते वक्त गिर जाते हैं। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं, आप भी देखें वायरल वीडियो। तीन दबंगों ने मिलकर युवक को बेल्टों से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा से न्यू आगरा थाना क्षेत्र नगला पड़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ युवकों ने बर्बरता दिखाते हुए एक युवक को बेल्टों से पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। नौकरी से निकाला गया तो हैवान बना शख्स, बेजुबानों से लिया बदला, 54 गायों को जहर पिलाकर मारा। मामला खुदना खुर्द गांव का है। यहां रहने वाले ओमवीर नागर एक डेयरी चलाते हैं जहां उन्होंने गाय पाल रखी है। नोएडा से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पुलिस ने 54 गायों को जहर देकर मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल डेयरी के मालिक ने आरोपी को नौकरी से निकाल दिया था जिसके बाद उसने गाय और बछियों को जहर देकर मार दिया।